बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे शेयर करनी है आज आप लोगों के साथ बोब कटिंग और फॉर बेबी गर्ल्स। बॉयज़ स्टाइल में भी चलता है जो ज़रा कानों के बराबर में आता है, लेकिन मैं ये बच्चों के लिए कर रही हूँ। मेरी भतीजी स्कूल गोइंग है और उसको ना गर्मी लग जाती है, गर्दन पर बाल आते हैं, तंग होती है, तो मैंने सोचा मैं इसकी कटिंग कर लूँ। एक्चुअली भाभी चाह रही थी तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। तो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले बिना वक्त ज़ाया किए ना मैंने आज वीडियो को बहुत फास्ट फास्ट आपको दिखाना, मैं मतलब बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्लिप मैंने ली है आपको दिखाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। बस सबसे पहले तो आपने बालों को गीला करना है और उसके बाद आपने जो जिस तरह से मैंने बहुत थोड़ी सी लेयर छोड़ी है बालों की, जितनी आपने लेंथ रखनी है ना, सबसे पहला स्टेप आपने उतनी ही कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने फर्स्ट स्टेप कट करना है और उसके बाद बिल्कुल नाइसली नीटली कट कीजिएगा। इसके बाद जो बाकी की जो आपने पिंस लगा रखी हैं, कैचर लगाए होंगे, जो भी है वट एवर, आपने वो खोलने हैं और एक स्टेप मजीद लेना है और उसको भी आपने जो आपने ऑलरेडी कटिंग का पहला स्टेप लिया है ना, ये आपने यहाँ पे आपकी जो है ना सारी की सारी कटिंग डिपेंड करती है। यहाँ से आपने जो है ना दूसरा स्टेप भी इसी पॉइंट पे कट करना है। देखते जाइए, आपके लिए बहुत आसानी है, बहुत कम वक्त में आपको बहुत मज़ेदार सा वीडियो मिल रहा है। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब कोशिश कीजिएगा कि कंघा कंघी वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं आप ना कुछ ऐसा ही करें कि आप आसानी से, जैसे मैंने बाल अलग कर दिए ना, ऐसी कंघी से जो है ना तो बाल आसानी से अलग हो जाते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो अब हम दूसरा स्टेप भी बिल्कुल बेटी का सर जो है ना वो थोड़ा आपने नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ रखेंगे ना तो ये लेयर जो है ना वो ऊपर चली जाएगी कट करके, ठीक है। थोड़ा आप देख सकते हैं उसका सर झुका हुआ है, तो आपने जो पहला स्टेप कट किया था आपने बिल्कुल उसके बराबर यहाँ पर दूसरा कट करना है, ठीक हो गया। अब हमने मज़ीद दो तीन स्टेप ऐसे ही कट करने हैं। मैं यहाँ पे जो सारा बॉब कट कर रही हूँ उसके ना ऑलरेडी जो है तो पफ कटिंग मैंने की हुई थी, मैंने घर पे ही की थी पफ कटिंग भी, तो वो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने बहुत हल्का सा टच किया था। तो आप साथ में ना पफ कटिंग भी करेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। खैर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी तो ना आपको सारे के सारे स्टेप्स जो ना वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। नाइसली कट करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। अगेन हम लोगों ने दूसरा स्टेप लेना है यहाँ से, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बाल मत लीजिएगा, जितने जितने मैं ले रही हूँ ना तो उतना ही लीजिएगा आप, ठीक हो गया। और मेरी बच्ची के जो है ना भतीजी के बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, पतले बाल हैं, तो ये इन बालों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार कटिंग है, क्योंकि ये कटिंग के बाद ना उसका चेहरा बड़ा माशाल्लाह से लग रहा था, हेवी हेवी लग रहा था ना, काफ़ी वीक सी है तो वो बहुत अच्छा लग रहा था उसके फेस पर। कटिंग बहुत मज़े की लगी है, बाल एक्चुअली उसके थिक लग रहे थे, इस कटिंग का मेन मकसद ये भी था कि ज़रा थिक लगे ना, बाल बहुत पतले हो गए थे उसके। तो आपने अगेन इसका सर नीचे करना है, इसका नहीं एक्चुअली इसका मैंने किया है, आपने अपने जब आप कटिंग कर रही होंगे ना तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वरना ये स्टेप जो है ना वो ऊपर नीचे होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक हो गया। तो अगेन आपने इस तरह से कटिंग करनी है। अब तकरीबन जो फ्रंट वाले बाल रहेंगे उनको भी आपने जो है ना साइड से कट करना है। साइड पफ जो आपने सबसे पहले लुक देखी थी ना, अब यहाँ पर मैं आपको वो वाली लुक करके दिखाऊँगी कटिंग, और फिर इसके बाद हम इसकी पफ कटिंग करेंगे। मैंने कोशिश की है बहुत कम वक्त में आपको मज़ेदार सा वीडियो दिखा दूं। अब ये स्टेप दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि भाई कोई रफनेस आ जाती है, थोड़े बहुत बाल ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, और छोटी सी बच्ची है ना मुझे थोड़ा सा तंग भी कर रही थी, तो वो आपने रफनेस दूर करनी है, ठीक हो गया। ये आ गया ऑलमोस्ट हमारा फाइनल स्टेप। अगेन मैंने इसी तरीके से इसके बाल लिए हैं, और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी मेरे मोबाइल बिल्कुल 2% रह गया था चार्जिंग, और अल्लाह पाक का करम हुआ कि बस मेरा वीडियो पूरा हो गया। यहाँ पे आपने इन बालों को रखना है साइड पे और यहाँ से आपने इसकी कर देनी है कटिंग। ये जो अभी फाइनल फाइनल मैंने आपके सामने सीधे किए ना, उनको मैंने यहाँ साइड से कट किया है, ठीक हो गया। मैंने बहुत पीछे पीछे नहीं किया ताकि कान जो है ना वो गंजे गंजे ना लगे, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ से बस ये इसका दूसरी साइड से भी बिल्कुल सेम मैंने कट किया था, और मेरा वीडियो जो मेरा मोबाइल बंद हो गया था, फिर उसके बाद मैंने फ्रंट पर इसका मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको जैसे बताया, तो सेम चीज़ मैंने दोनों साइड से की, और माशाल्लाह से इसके बाल ऑलरेडी बहुत प्यारे हैं, तो ये कटिंग के बाद और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और ये बहुत थिक लग रहे हैं। मैं एक इस बच्ची की एक झलक मैं आपको दिखा दूंगी, पहले इसके बाल बहुत पतले लगते थे, अब आप देखेंगे इसके बाल बहुत थिक लग रहे हैं इस कटिंग के बाद। और फ्रंट से मैंने बिल्कुल हल्का सा टच किया था, क्योंकि मैं इसको हमेशा जो है ना हेयर कट इसका करते रखती हूँ, तो इसलिए जो है इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक हो गया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, एक दो पिने लगा दीजिए, गर्मियाँ अच्छे से गुजर जाएंगी आपके बच्चों की। मैं चाहूँगी अब आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों के रखिएगा, जेर जेर ख्याल, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।